नाज़रीन आपको बताएं, मुल्क भर में मोहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए गए हैं। इस्लामाबाद में भी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राजा रुखसार से। जी बताइएगा। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ G6 इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह के सामने, और मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो मुहर्रम हराम के मौका पर इस्लामाबाद भर में और बल्कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए गए हैं। अगर बात करूं पंजाब की तो 6 मुहर्रम हराम से 11 मुहर्रम हराम तक जो है सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं, और इसके अलावा बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जितने भी रोड्स हैं, जितने भी आज़ाद हरान के रोड्स हैं, उन तमाम पे सख्त सिक्योरिटी इकदाम उठाए गए हैं, और ख़ासकर जो है 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को जो जुलूस निकाले जाएंगे उनको ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है कवर किया जाएगा, और सिक्योरिटी के जो है सूरत हाल है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। इस टाइम में अगर बात करूँ इस्लामाबाद की तो तमाम छोटी बड़ी इमाम बारगाहों में जो है सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए गए हैं, और किसी किस्म का कोई जो है यहाँ पर इमाम बारगाह या कोई भी जगह जो है एहसास करार नहीं दी गई। अगर पेशावर की बात करूँ तो 35 से 40 इमाम बारगाहें जो है एहसास करार दी गई है, और वहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इकदाम हैं। जी जी नाज़रीन आपको बताते चले, मुल्क भर में मुहर्रम हराम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए गए हैं। इस्लामाबाद में भी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे राजा रुखसार, बहुत शुक्रिया आपका।